फैक्ट्री नहीं बनी है जो पत्तियों को खाकर मिनरल्स का बहुत अच्छा स्रोत का हो सकते हैं। तो जो बकरी के जो लीड होती है ना, उससे क्या होता है, मिनरल्स के काफ़ी अच्छे स्रोत हैं, क्योंकि बकरियां जो हैं सो पत्ती को खाया करती हैं। और मुर्गियों के जो खाद है, मुर्गी का खाद, उस मुर्गी के खाद में कैल्शियम की सबसे ज़्यादा प्रचुरता होती है। तो हमें मिनरल्स इसमें जो बकरी का खाद है उससे मिनरल्स मिल सकते हैं, और मुर्गी के जो बीट है या खाद जो बनेगा उससे उसमें क्या कि कैल्शियम की मात्रा अच्छी होगी। और जो काऊ के जो डंक हैं, गोबर हैं, गाय के जो गोबर है, गाय के जो गोबर से जो खाद मिलेगा उसमें सबसे ज़्यादा सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या होगी, बहुत ज़्यादा लाभदायक बैक्टीरिया की संख्या होगी, जो खेती को काफ़ी सजीव और उर्वर बनाएगी, टिकाऊ बनाएगी, मृदा उत्पादकता को बरकरार रखने में सहायता करेगी। तो इसलिए जैविक खेती मतलब यह कि सारे जीव जंतु मिलकर खेती को में सहयोग करेंगे, और एक जीव के अस्तित्व से दूसरे जीव का अस्तित्व है। तो एक जीव के अस्तित्व से दूसरे जीव के अस्तित्व है तो उससे क्या होता है कि बायोडायवर्सिटी बचता है। हम केवल अपने लिए, और खेती का काम क्या है, सामाजिक कार्य है। खेती कैसा कार्य है, सामाजिक कार्य है, जिसमें बहुत तरीके के जीव जंतु, चिड़िया, पक्षी, सूक्ष्म जीवाणु, तितलियाँ, सारे लोग खाती, सबका हिस्सा होता है इन पौधों के ऊपर, और पौधे सबके लिए होते हैं। इसलिए व्यक्तिगत कार्य खेती नहीं है, खेती क्या है, सामाजिक कार्य। और खेती कभी भी घाटे का सौदा नहीं, इसलिए नहीं घाटे का सौदा है क्योंकि दाम चाहे जो भी हो, दाम मार्केट तय करती है, लेकिन अब एक दाना जब आप लगाते हो तो कम से कम 100 दाना 50 दाने आपको मिलते हैं। एक बार पालक लगाते हो 10 बार काटते हो, मार्केट पे मत जाना। सामग्री जो पहले हमने डाला वो सामग्री ज़्यादा हो जाती है, होती है ना, पहले ही हमको लगाते वक्त जो चाहे उपज उसको मिले, लेकिन हम जब काटने जाते हैं तो 2 बार काटते हैं, 3 बार काटते हैं, तो मात्रा क्या होती है, बढ़ती है ना। और बीज भी जब हम कोई लगाते हैं तो बीज की संख्या भी बढ़ती है, बीज की संख्या भी बढ़ती है। बाजार से जाएंगे तो घाटा नफा वो अलग तय है, लेकिन जब सामग्री निर्माण पे हम आते हैं तो संख्या उसकी क्या होती है, बढ़ती है। इसलिए हम क्या है, खेती हर हमेशा लाभदायक सौदा है, इसमें असंख्य जीव जंतु, जीवाणु, कीटाणु, अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके के चिड़ियाँ आएगी, अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके के खरपतवार लगेंगे, अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके के क्या हैं आपके रोग लगेंगे। तो ये अलग अलग रोगाणु, जीवाणु, कवकाणु, विषाणु, अंडाणु जो भी हैं उनसे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी हमारा मेंटेन होता है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बढ़ती है, अलग अलग तरीके के जीव जंतुओं की संख्या बढ़ेगी। अब एक आप लोग सोचते हो कि मदार का पौधा हमारा फालतू है, लेकिन एक मदार का पौधा 20 तरीके के कीड़े रखने के लिए जरूरी है, 20 तरीके के कीड़े का संरक्षण करता है एक मदार, जिसको हम लोग कम ही उपयोग करते हैं। जैसे बहुत सारे कीट और संरक्षण करते हैं अपने आप में, और उन्हीं कीटों के लिए वो उसको भोजन है। हम मदार को नहीं, दूसरे जीव नहीं अडप्ट कर पाते, लेकिन कुछ जीव दुनिया में ऐसे बने हैं जैसे मिल्कवीड है या अन्य तरीके के जो कीड़े हैं वो उसके ऊपर आते हैं। इसलिए इस दुनिया में अलग अलग तरीके के पौधे जरूरत है, और आज जरूरत इस बात की है भारतीय किसानों को या भारतीय छात्रों को जो खेती से इन्वॉल्व हैं या खेती जो का रोजगार का जो साधन बना रहे हैं, उनके लिए क्या चाहिए हमको, बहुत ही ज़्यादा उनको बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता पर ध्यान देना होगा, और अलग अलग तरीके की खेती को करना होगा। एक ही मोनोक्रॉपिंग से क्या हो रहा है, हमारा खेत खराब हो रहा है। मोनोक्रॉपिंग मतलब गाजर तो गाजर, किसी गांव में सपोज डैट कोई गांव है तो कोई गांव में एक ही तरीके के अनाज उपजा रहे हैं हम लोग, एक ही तरीके की सब्जियां उगा रहे हैं, तो वहां स्थानीय जो बाजार है वह काफ़ी सस्ता हो जाएगा। जब बाजार के लोग जब आएंगे तो क्या होगा, वहां पर वो उस चीज़ की स्थानीय खपत ना होगी, जो बाहरी आदमी आएंगे सस्ते दामों पे लोग सामान को देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन यदि हम अलग अलग तरीके की खेती करेंगे तो गांव में भी क्या है, गांव के लोग भी उस चीज़ को स्थानीय खपत हो जाएगी, जो हमको बाजार नहीं ले जाना पड़ेगा, गांव की चीज़ें गांव में ही खपत हो गई, किसी के पास मूली है, किसी के पास गाजर है, तो सामानों का क्रय विक्रय होगा, स्थानीय बाजार मिल जाएगा उसको, और स्थानीय बाजार मिलने से
ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उसका बचेगा और जो बाजारवाद है वो रुकेगा। और हमें आज आवश्यकता आवश्यकतानुकूल खेती की है। आवश्यकतानुकूल खेती वह खेती होता है जो भी फील्ड है उसका, जो भी 2 हेक्टेयर है 1 हेक्टेयर है, उसी फील्ड के भरोसे वो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाए, उसे कहीं जाना ना पड़े। जैसे मेडिसिनल प्लांट्स भी लगा लिए उसमें, दवाई की खर्चा बच गया, कुछ नीम लगाए उसके जो कॉलगेट टूथपेस्ट का खर्चा बच जाए, उसके उसके बाद फिर जो है आपके तालाब का हो गया, मछली हो गए, मुर्गी हो गया, हाँ पशु। और खेती कब टिकाऊ होगी? जब 4 चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। किस पे? 4 चीज़ों पे। क्या पहले? सबसे पहले ये कि खेती के साथ खेती बाड़ी, खेती मतलब खेती के साथ बाड़ी, बाड़ी मतलब बाग बगीचा, हॉर्टिकल्चर वाले क्रॉप्स हो गए, आम लीची अमरूद ये सारी चीज़ें हो गई, और मेडिसिनल पौधे भी हो गए। और उसके बाद जो बात आती है खेती के साथ बाड़ी, पशु और पक्षी, पशु भी रहना जरूरी है खेती में एक निश्चित अनुपात में, और पक्षी भी रहे। खेती बाड़ी पशु पक्षी, खेती बाड़ी पशु पक्षी को लेके यदि वो किसान चलेगा तो समाज में पर्यावरण संतुलन बना के रखेगा, जैव विविधता को बरकरार रखेगा, खेती की उर्वरता को बरकरार रखेगा, और वातावरण प्रदूषित होने से बचा सकता है, और शुद्ध बीज का उत्पादन करेगा जो परंपरागत होगी, और उसी के शुद्ध बीज और परंपरागत बीज जो उस जलवायु के अनुकूल हो, इस जलवायु के अनुकूल जब होगा बीज तब क्या होगा, वो काफ़ी टिकाऊ रहेगा। तो हमें इस बात पे ध्यान देना है। और मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझने के बाद आप लोग यहाँ पे इस तरीके का ही खेती करेंगे ताकि एक मॉडल विकसित हो सके, और उस मॉडल में किसानों को क्या हो, लाभ पहुँच सके, और जो किसी के छात्र हैं वो अपना रोजगार विकसित कर सकें। धन्यवाद।